बताओ क्या पढ़ाए थे? अरे अरे क्या पढ़ाए थे बताओगे तभी ना। एक ही सब्जेक्ट 3-4 क्लास में चल रहा है, पता नहीं गाइडलाइन चलता, पढ़ाए थे सर। पता नहीं चलता है कि कौन सब्जेक्ट में कौन सा मतलब कौन बैच में कौन सा कहाँ किस पार्ट तक हुआ है। अलग अलग बैचेज में ये कोर्स चल रहा है। राइट लाइन यानी कि आपको सी शार्प में कैसे आउटपुट देते थे ये बता दिए थे, ठीक है। राइट लाइन का यूज क्या है? सर आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना जो हम कराना आउटपुट चाहते के लिए, जिस तरह प्रिंट एफ का, सी आउट का, प्रिंट का यूज करते हो, उसी तरह यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज है आउटपुट को देखने के लिए। आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। तो इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल किए हैं आप, खुद से रन करा के प्रोग्राम चेक किए हैं। कोई इंस्टॉल नहीं किए हैं? सर किए हैं। करना है, ठीक है। नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और ये भी बोले थे कि अगर किसी को सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है तो वो आके ब्रांच में आके ले लेंगे, पेन ड्राइव लेके आएंगे और वो ले लेंगे। आज के अल्टरनेट में आपका यहाँ बोरिंग रोड में, और कल के अल्टरनेट में हम पाटलिपुत्रा में रहते हैं, तो आप ले लीजिएगा विजुअल स्टूडियो। और फर्दर आपको काम भी होगा, सपोज आप vb.net पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो काम आएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये इंस्टॉल कर लीजिए, तभी आपको क्लियर होगा ना कैसे रन करता है, कैसे काम करता है। जब तक आप सी शार्प नहीं सीखेंगे तब तक कैसे आपका यूज होगा ASP.NET। सी शार्प का तो जानना चाहिए ना, प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो हम ये बताए थे कि सी शार्प का जो कोडिंग है वो इन्फ्लुएंस्ड है सी एंड सी प्लस प्लस से, लेकिन बहुत हद तक इसका कोडिंग किससे मिलता है? जावा से जावा से मिलता है, जावा जैसा है। और जावा भी ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड है आपका सी एंड सी प्लस प्लस से। वेरिएबल डिक्लेरेशन उसी तरह के है, डेटा टाइप लगभग उसी तरह के है, ऑपरेटर लगभग उसी तरह के है। तो उसके बाद जो सी शार्प है वो आपको डिपेंड है, इन्फ्लुएंस्ड है जावा जैसा है। तो जावा आप पढ़े नहीं है लेकिन कुछ कुछ टर्म्स आप ऐसे भी समझ रहे हैं, बताए थे। तो हम लोग को पहले पढ़ना है दो चीजें, तो हम लोग पढ़ते हैं इनपुट लेना और आउटपुट लेना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर जो मैं ऑपरेटर या और भी चीजें बताऊंगा उस समय आपको ध्यान देना है कि मैं सिर्फ कंपेयर कर दूंगा कि ये ऑपरेटर आपने सी में पढ़ा है। ऐसा नहीं कि फिर से वो जैसे सी प्लस प्लस और सी पढ़ते हैं, ये ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर का डिफिनीशन हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। मैं नोट्स आपको दूंगा, उस नोट्स में जो डिफरेंट चीजें होंगी वो मैं बताऊंगा। जहां सिमिलरिटी होगी वो आप सी में पढ़े होंगे, मैं बता दूंगा कि ये सी में आपको पढ़ा हुआ है, ये चीज को ये सपोर्ट करता है। क्योंकि फर्दर हमको इसका यूज करके आपको क्या करना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है। यानी कि आपको एक वेबसाइट में डेटाबेस की कॉन्सेप्ट को लाना है, ठीक है। तो आपको डेटाबेस की कॉन्सेप्ट लाने के लिए तो आपको ASP.NET चाहिए, आप PHP का भी यूज करेंगे। आप PHP भी पढ़ रहे हैं तो PHP के थ्रू भी वेब सर्वर साइट बनाएंगे, ASP के थ्रू भी सर्वर साइट बनाएंगे, दोनों का सेम वर्क है। और HTML ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो HTML तो आप जानते ही हैं, उससे आप फॉर्म डिजाइन कर लेंगे, CSS आप जानते हैं, स्टाइलिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उससे वैल्यू को फेच करके, यानी HTML से जो फॉर्म बनाएंगे उस फॉर्म से वैल्यू को फेच करके हमको कहाँ पहुंचाना है? सर्वर डेटाबेस में, सर्वर पर तो पहुंचाना है, तो सर्वर पर हमारा क्या रहेगा? सर्वर पर भी तो सर्वर डेटाबेस एक सिस्टम है। यानी कि आपको क्या करना है कि जैसे आप फॉर्म डिजाइन करेंगे HTML से, है ना,
जो भी फॉर्म आप डिजाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर इंटर नेम डिजाइन करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं नेम का, ये लेबल हो गया, उसके बाद आप फादर नेम लेते हैं, टेक्स्ट लेबल, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद आप जेंडर लेते हैं लेबल, उसके बाद आप चेक रेडियो बटन लेते हैं जिसको ऑप्शन बटन भी कहते हैं, फिर आप बहुत सारा चेक बॉक्सेस लेते हैं। तो इसमें से जो भी वैल्यू आप यहाँ पर सबमिट करते हो, तो ये वैल्यू जाके आपको कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है, ये जानते हो। और सर्वर पे आपको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, सर्वर पर आपको वैल्यू रखने के लिए क्या चाहिए, डेटाबेस, डेटाबेस चाहिए ना। और डेटाबेस के रूप में आप क्या यूज करते हो, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, एक्सेस हो गया, तो वो रहता है। तो और इसको जो डिजाइन करेंगे वो डिजाइन आपका किसके थ्रू होगा, ये जो फॉर्म डिजाइन किए HTML HTML CSS के थ्रू, ये दोनों के थ्रू हम लोग करेंगे। थोड़ा डिजाइनिंग करना है तो CSS के थ्रू, और यहाँ पर आपको डेटाबेस रहेगा सर्वर पर, जितना भी यहाँ पर आपका बॉक्सेस रहेगा उससे रिलेटेड कॉलम्स रहेगा, जैसे नेम का है तो नेम का एक कॉलम होगा। तो डेटाबेस भी मोटा मोटी आप SQL जानते ही हैं, है ना, SQL आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। अब इसमें C# ASP का क्या काम है, ASP.NET एक फ्रेमवर्क है ना, वो फैसिलिटी देता है अलग अलग तरीके के चीजों को डिजाइन करने के लिए, बट इस फ्रेमवर्क में डिजाइन करने के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, C# या फिर विजुअल स्टूडियो, ठीक है, VB.NET जिसको हम लोग कहते हैं VB.NET। तो C#.NET का लिए खाली C# कहिए, तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं C#। तो ये दोनों का क्या काम है कि यहां से डेटा को फेच करके और यहां तक पहुंचाए। पहले तो ये डेटा होना चाहिए, इस डेटा से, है ना, ये जो भी भरेंगे इसमें रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को फेच होना चाहिए। फेच करेगा कौन, ये इसके प्रोग्रामिंग के थ्रू फेच करेंगे, फिर इसके वेरिएबल इसमें लेंगे, वेरिएबल ये सब सारा लेंगे और उसके वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हम लोग जानेंगे तब ना कि वेरिएबल कैसे लेते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं। फिर उस वेरिएबल पर हो सकता है फेच करने के बाद इसके वैल्यू को बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ऑपरेटर्स, कुछ डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन, कुछ लूपिंग का होगा तो लूपिंग इसमें आएगा, बहुत सारे वर्क होंगे इसके डेटा को फेच करने के बाद। उसके बाद फिर आपको एरे का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, फंक्शन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो यहां से इसको फेच करके यहां पर स्टोर करेंगे, फिर जब यहां पर इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे C# के टूल्स के थ्रू, तो फिर यहां से फिर इसको किस में स्टोर करेंगे, डेटाबेस में। क्लियर है? तो ये तरीके के लिए हम लोग यूज करते हैं C#। आप पहले भी ASP.NET C#, आप पहले भी रिकॉर्ड को फेच कर रहे होंगे, किसके थ्रू फेच करते हैं, फॉर्म से रिकॉर्ड को अभी फेच कर रहे होंगे ना, किसके थ्रू, आप शुरू में पढ़े होंगे वेब डिजाइनिंग, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बट जावास्क्रिप्ट फेच करके सर्वर तक डेटा को नहीं पहुंचाता है, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है, वहीं से फेच करके और उसी के दूसरे कंपोनेंट में आप डाल सकते हैं, फेच भी कर लेगा और डाल भी देगा, बट सर्वर तक वो नहीं पहुंचाता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ASP.NET भी, या फिर आपको पॉपुलर है क्या PHP, दोनों सर्वर साइडेड है, दोनों आपको नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आपको जिसको अच्छी नॉलेज है PHP के थ्रू भी कर सकते हैं, ASP.NET के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कैसे होता है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो बाद में आपको स्पेशलाइजेशन जरूरी होता है, अगर किसी को जावा का नॉलेज है तो वो जावा के थ्रू भी बना सकता है, अगर किसी को VB.NET के नॉलेज है तो VB.NET के थ्रू भी बना सकता है। इसी तरह ASP.NET है और PHP। ASP.NET आपको ऑब्वियसली ये किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, यानी कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है,
आप फिर भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड आप कम्युनिटी वर्जन कर रहे हैं, इसका जेन्यून वर्जन को आप नहीं कर रहे हैं जहां पर बहुत सारा फैसिलिटी देता है। तो ये आपको ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स का मतलब सब जानते हैं, और ये आपका ओपन सोर्स है पीएचपी फ्री में, इसको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं यूज करने की। दूसरा ASP.NET का अपना आईडीई है, अपना आईडी, कौन सा आईडी आप इंस्टॉल कर रहे हो ASP.NET के लिए? VS कोड। VS कोड नहीं, फिर तुम लोग VS कोड में पहुंच जा रहा है। विजुअल स्टूडियो, VS कोड अलग है, विजुअल स्टूडियो अलग है, और एक और आता है VB 6.0। देखो एक आता है विजुअल स्टूडियो 6.0, एक आता है विजुअल स्टूडियो 5 2005, ये सब जो आएगा वर्जन वो विजुअल स्टूडियो में आ गया, और एक विजुअल स्टूडियो 6.0 होता है, वो प्रीवियस वर्जन होता है जिस पर से VB का प्रोग्राम रन करता है जब विजुअल बेसिक थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट समझिए, विजुअल स्टूडियो 6.0 वो एकदम डिफरेंट है, वो लास्ट वर्जन है विजुअल स्टूडियो 6.0, उसके बाद विजुअल स्टूडियो 5 6 7 8 12 इस तरह का है। तो ये अलग हो गया और VS कोड अलग है, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। हम लोग को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा किसका? विजुअल स्टूडियो का। लेकिन PHP को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, आप कोई भी एडिटर को आप यूज कर सकते हैं, सबलाइन का भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज कर सकते हैं, VS कोड का भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर काम कर सकता है, ठीक है। और ASP.NET में पहले से प्री डिफाइंड बहुत सारा फैसिलिटी देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर देता है। जैसे आप अभी आप C++ पढ़ रहे हैं, C पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ेंगे, तो बहुत सारा फीचर आपका कंसोल बेस्ड होगा, कोई भी आप यूज अभी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट अभी आप ASP.NET कर रहे हैं, फिर थर्ड ईयर में आप विजुअल बेसिक करेंगे, वहां पहले प्रोग्राम से ही आप GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी कोई कंसोल नहीं कि Inter 2 नंबर Inter 3 नंबर, वो सारा आपको GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग होगा उसमें शुरू से ही। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऐसे भी प्रोडक्ट जानते हैं कि GUI बेस्ड होता है और वहां पर हमको कोडिंग करने में आसानी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है, जैसे अगर ये बॉक्स बनाना है तो आप HTML में टैग यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में बनाना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर बॉक्स आपको दिया रहेगा, ड्रैग करके आप ड्रॉप कर लेंगे। तो ये प्रोविजन है आपको ASP.NET में, उन चीजों को आसान होगा करने में, PHP में थोड़ा कोडिंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये सब अंतर है दोनों में से, दोनों का काम आपका सेम है। PHP ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादा लोग इसको यूज करते थे, बड़ा बड़ा वेबसाइट्स बहुत सारा इस पे बना हुआ है, ASP.NET से भी वेबसाइट बना हुआ है, जैसे आपको डेल का वेबसाइट बड़ा आप देखे तो बहुत सारा वेबसाइट आप देखते होंगे, तो बड़ा में तो आ जाएगा जो पॉपुलर है इस डेल का, है ना, इसका वेबसाइट बना हुआ है, और भी बहुत सारा वेबसाइट है जो ASP.NET पर बना हुआ है। अब आप कैसे समझेंगे कि ASP.NET के थ्रू बना हुआ है? आप जब वेब पेज खोलते हैं तो कहीं पर वेब पेज का जो लिंक पेज खुजता है वहां पर कहीं पर .php भी लास्ट में आता है, यस सर। और ASP.NET का क्या होगा वेबसाइट का एक्सटेंशन? .ASP.NET नहीं, .NET नहीं यार, .NET एक फ्रेमवर्क है, .NET उसमें नहीं आता है, इसका आता है .ASPX, है ना। अब क्या होता है कि जैसे आप जो भी पढ़े होंगे ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप देखते होंगे कि पहले DOC आता था वर्ड का, फिर आ गया X, डॉक्स, PPT आता था, PPTX, सब में X लगा, X stand for extended, यानी कि पहले जो MS वर्ड आता था उसको एक्सटेंड करके बहुत सारा उसमें फीचर ऐड किया, तब वहां से शुरू किया डॉक्स लिखना, PPTX लिखना। तो ASPX से पहले, यानी ASP.NET से पहले आता था ASP लैंग्वेज, ASP उसका एक्सटेंशन था .ASP, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया आपको ASP.NET, जो .NET फ्रेमवर्क पर काम करेगा, तो इसका एक्सटेंशन होगा .ASP.NET। अब देखिए इस वेबसाइट जो अभी हम खोले हैं, ये OneDrive,
इसमें भी देखिए आपको लिखा हुआ है ASPX, इसी से आपको डिजाइन किया गया है। और वैसे भी ऑन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो अपना ही टूल्स यूज करेगा। एक कोई वेबसाइट आप खोलिएगा तो वहां पर क्या देगा, .php भी उसका लिंक पेज देगा। तो ये इसका क्या है, एक्सटेंशन। समझ गए, क्लियर हुआ, क्लैरिटी मिला? यस सर। तो अब इन चीजों को आप समझ गए हैं कि क्या हमको रीजन है, किस रीजन से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब उसके लिए आपको हमने बोला था कि आप क्या करेंगे कि पहले बेसिक ASP.NET फ्रेमवर्क का, तो सबसे पहले बताइए कि .NET का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट स्टैंड्स फॉर .NET? दिखाए भी थे आपको .NET की, यहाँ पर .NET होता है, .NET का मतलब होता है नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पर टोटली आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग सी शार्प देखेंगे, ठीक है। और सी शार्प को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो बनाना चाहिए। अब सी शार्प का क्या काम है, तो .NET तो ASP.NET एक फ्रेमवर्क है। अब उसमें डिसीजन लेना है, एरे का कॉन्सेप्ट, मल्टी वेरिएबल, आपको मल्टी वैल्यू चाहिए तो मल्टी वैल्यू के लिए आपको एरे चाहिए, कोड को डिवाइड करना है तो आपको फंक्शन चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी करने के लिए हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ जाती है डिजाइन करते समय। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सी शार्प पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ गए, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग सी शार्प में जो बेसिक बेसिक टर्म है जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि भाई इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, ठीक है, उसके बाद सिक्वेंशियली इसका कैसे प्रोग्राम चलता है, डिसीजन की कैपेसिटी कैसे है, आइटरेटिव कैसे है, एल्गोरिथम कर रहे हैं, एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट क्या है, ऊप्स भी है, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा है, लेकिन इसको हम लोग कॉन्साइज वे में पढ़ेंगे। दैट मींस, कहने का मतलब कि जैसे आप इफिल्स पढ़े हैं तो इफिल्स बता देंगे कि ये इफिल्स आप जैसे सी में है वही इफिल्स को ये भी फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग इफिल्स पढ़े तो जैसे सी और सी प्लस में पढ़ते हैं कि इफ है, इफ का ये टाइप है, तो यही सब इफिल्स इसमें भी करते रह जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट है कि चीजों को समझ लेना है, ये चीज इसमें ऐसे है ना, यहाँ पर ये चीज ऐसे है, और फिर हमको फर्दर एक डिजाइन करना है। कॉन्सेप्ट तो एक भी प्रोग्रामिंग अगर आप अच्छा से पढ़े हुए हैं तो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते एक चीज आप पढ़े हुए हैं, सी पढ़े हुए हैं, सी प्लस प्लस पढ़े हुए हैं। तो ये इसमें है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता ये जावा से, तो मैं कंपेयर करके आप बता ही दे रहा हूं, और भी क्लैरिटी आपको मिलेगा जब जावा पढ़ेंगे तब, तो भी सारा क्लैरिटी फिर मिल जाएगा कि ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ठीक है। तो आइए अब फिर से हम ओपन करते हैं आपको विजुअल स्टूडियो, सबको ही इंस्टॉल जरूर कर लेंगे। देखिए मेरे पास तीनों है, विजुअल स्टूडियो 2012, वीएस कोड और विजुअल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, सी प्लस प्लस, सब इसी में आ जाएगा 6.0। ये तीन अलग अलग है, ठीक है। तो आप देखिए इसको ओपन कर, इसमें हमने बताया था आपको फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, अभी हम लोग कंसोल में देखेंगे, फिर हम लोग कंसोल को चीजों को इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग और एरे का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर हम लोग चलेंगे इसको विंडो एप्लीकेशन के थ्रू फॉर्म डिजाइन करेंगे, और फिर ये हो गया आपको ASP.NET वेब फॉर्म्स, है ना, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखें, पहले हम लोग नॉर्मल है,
कोई भी प्रोग्राम आप जब करेंगे तो उसको सबसे पहले आप सेव कर लें। सेव करने के लिए कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हैं, इसका बाय डिफॉल्ट नेम भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर दे दे रहे हैं आपको टेस्ट नाम से। लोकेशन आपको देने के लिए बता दे रहे हैं कि लोकेशन आपको जहां देना, मेरा ये लोकेशन है। ओके, पहले से टेस्ट नाम का बना हुआ है तो आप टेस्ट वन कर। अब मैंने ये सारी चीजों को आपको बता दिया था, ये अनवांटेड है आपके लिए पैकेज, ये सब पैकेज के भी कुछ जरूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं और नहीं है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको बता दिए थे, आउटपुट लेने के लिए भी बता दिए थे। क्या यूज करते हैं हम लोग? राइट लाइन का यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन। नोट्स आपको ये शेयर किए थे, ये नोट्स पीडीएफ शेयर किए थे आपको सर। यस और नो? नो सर। अच्छा, नो सर, चलो ठीक है, हम शेयर कर देंगे, आज शेयर कर देंगे। इसमें आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, जस्ट आपको सी वाला ही होगा, जो डिफरेंट होगा वो हम बता देंगे, बाकी सब एकदम सेम मिलेगा। आइए, इनपुट के लिए हमारे पास फंक्शन आता है रीड लाइन, आउटपुट के लिए था राइट लाइन, इसी तरह इनपुट के लिए है रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। वेरिएबल हम लोग लेंगे, सिंपल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो, इंट एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, जैसे आप सी में करते हो। हाँ सर, इसको डाउनलोड करने के लिए एक्सेस अकाउंट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सेस अकाउंट देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तुम कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड कर लो। सर यहाँ पर अकाउंट मांग रहा है। कोई जरूरी नहीं, मैं एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो ये है आपको, और इसमें से आप ये डाउनलोड कर लो कम्युनिटी वर्जन, ठीक है, ये नहीं प्रोफेशनल एंटरप्राइज नहीं, कम्युनिटी वर्जन। और अगर इससे नीचे भी जाना है तो 2017 भी होगा कहीं पर, 2017 भी आप डाउनलोड कर लीजिए, 22 अगर प्रॉब्लम है, प्रीवियस वर्जन भी इसमें होंगे, ये तो मैक के लिए और ये वीएस कोड है। इसका होगा प्रोडक्ट विजुअल स्टूडियो 2022। इसमें नहीं दिया है लगता है, प्रीवियस वर्जन 17 ईशा। जैसे अगर मुझे खोजना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2017 डाउनलोड, यहाँ पर ओल्डर वर्जन ओल्डर दे रहा है, तो ये ये देखिए सारा दे रहा है 2012 ही आप कर लीजिए, थोड़ा सॉफ्टवेयर साइज भी कम होगा। और इसमें से आपको करना है प्रोफेशनल, ये कर लें, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये 2012 वाला आप कर लीजिए, ठीक है, ठीक है सर, ओल्डर वर्जन। अगर इसमें अगर खोज रहा होगा तो मेरे ख्याल से सब में आसानी से हो जाना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। 2012 में अगर आएंगे तो क्या क्या है, विजुअल स्टूडियो सारा चीज है ही, एसडीके स्टूडियो 2012, तो ये डाउनलोड कीजिएगा, ये करंट वाला मत कीजिएगा, करंट चेंज होते रहेगा, ये नहीं। इसमें अगर डाउनलोड करेंगे तो आप कम्युनिटी वर्जन का यूज करेंगे, ये आप डाउनलोड करेंगे 2012।
और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आपको क्रैक वर्जन मिल जाता है कहीं से सॉफ्टवेयर, वो फुली फंक्शनलिटी आपको काम करेगा, लेकिन उसके लिए क्रैक वर्जन होना चाहिए जो आपको की वो सारा प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड करके देखेंगे, क्लियर है? इंस्टॉल में क्रैक वर्जन ही डाउनलोड किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2022 का वो कैसे तुम डाउनलोड कर लिया क्रैक वर्जन? सर सीरियल की मांगना था तो दे दिए तो हो गया था उसमें। ठीक है, अगर क्रैक तुम कर लिया है तो क्रैक करना आसानी नहीं होता है, बट क्रैक कर लिया है तो बढ़िया बात है, इसको यूज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटरप्राइज वर्जन डाउनलोड किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा? बट इंटरप्राइज वर्जन क्रैक होना चाहिए, हो सकता है ट्रायल बेसिस पर दे तुमको, एक महीना बाद खत्म कर दे। नहीं सर क्रैक वर्जन डाउनलोड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रैक वर्जन डाउनलोड उससे कोई मसला नहीं। ओके, कोड इस तरह खुल रहा है ना, इस तरह आपको इस तरह की चीजें आ रही है ना। यस सर, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, यस सर। चलिए तो अब हो गया, डाउनलोड कर लेंगे आप, और डाउनलोड करने के बाद आप जब इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा इंस्टॉल करते समय आप गूगल का हेल्प ले लेंगे, यूट्यूब पर हेल्प ले लेंगे, और जो वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी का वीडियो देखेंगे। जैसे आप लिखेंगे अगर 2012 कर रहे हैं, 2012 नाम से ही सर्च करके वीडियो देखेंगे कि उसी तरह का आपका इंटरफेस और उसका इंटरफेस सेम हो, जिससे इंस्टॉल करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा तो इंस्टॉल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आते हैं हम लोग के पास, इनपुट लेने के लिए आता है मेथड, उस मेथड का नाम है आपका रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन, रीडलाइन के थ्रू हम लोग रन टाइम इनपुट लेंगे, बाकी ऐसे। अब जो भी इनपुट आप लोगे वो सारा इनपुट आपको है ना कीबोर्ड से तो लेगा, लेकिन इनपुट के लिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, और ये प्योरली उप्स के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जावा और सी प्लस प्लस में अंतर क्या है, कि सी प्लस प्लस में और पाइथन में हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बिना उप्स के भी बनाते हैं, लेकिन जावा में शुरू से ही क्लास होता है, तो यहाँ पर भी शुरू से ही क्लास होता है। और जितना भी जावा में और सी शार्प में जितना भी मेथड होता है प्रीडिफाइंड, वो किसी न किसी क्लास के अंदर होता है। तो जब भी आप उस मेथड को यूज करोगे तो सबसे पहले उसका पता करना पड़ेगा क्या, क्लास, क्लास नेम, ये किस क्लास के अंदर है। तो आपको राइट लाइन किस क्लास के अंदर था, कंसोल, कंसोल क्लास के अंदर था। तो रीड लाइन भी आपको कंसोल क्लास के अंदर है। ठीक है, यानी कंसोल क्लास के अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड आपका क्या है, फंक्शन है। और इसको जब हम लोग कॉल करेंगे तो कंसोल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं, कंसोल क्लास के थ्रू ही कॉल करेंगे, क्योंकि स्टैटिक होगा वो। तो हम लोग कंसोल क्लास के थ्रू कॉल करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब एक चीज समझना है कि रीडलाइन के थ्रू जो भी इनपुट होता है सी शार्प में, वो एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है, एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो पहले तो हम लोग को अगर इसको स्टोर कराना होगा तो एक्स में स्टोर नहीं कराएंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पर क्या है, इंटीजर प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं, एक्स को क्या हम लोग कर देते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसमें डेटा टाइप है, स्ट्रिंग को आप बखूबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एक्स, और x इक्वल टू हम लोग लेंगे। ठीक है, यानी जो भी इनपुट लेंगे वो x में स्टोर होगा, और फिर मैं अपने इनपुट को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास राइट लाइन होता है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, एक मैसेज हम लोग एप्रोप्रिएट मैसेज देंगे, my value is, और concatenation के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सी शार्प में, प्लस 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 एक्स, और हम लोग लास्ट में यूज करते हैं कंसोल डॉट रीड। ठीक है, तो ये हो गया, अब हम लोग इसको चेक करेंगे रन करा के।
सबसे पहले इसको क्या मिला, रेड लाइन मिला, रेड लाइन आपको वेट कर रहा है, वेट करने के लिए हम लोग कुछ भी दिए, 74 आपको स्टोर हुआ एक्स में और एक्स को प्रिंट करा दे, ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। लेकिन 74 एज ए क्या काम कर रहा है, स्ट्रिंग काम कर रहा है, ठीक है, सारा वैल्यू स्ट्रिंग होता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर इंट एक्स लेते हो तो ये आपको एरर देगा, देखिए एरर दे रहा है, यानी कि टाइप एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के चीजों को आप इंटीजर में स्टोर कर रहे हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप जब पढ़ते हैं तो उसमें समझते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि कन्वर्जन के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, कन्वर्जन के लिए, क्योंकि आप पाइथन में पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि सारा वो भी स्ट्रिंग लेता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन आता है जिसका नाम है टू इंट, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो टू इंट, इस सारे नोट्स में दिया हुआ है, वो नोट्स को मैं शेयर कर दूंगा इसमें, टू इंट, टू कैर, टू डबल, टू फ्लोट, यानी जितना भी कन्वर्जन है सब में पहले टू लगा हुआ है और डेटा टाइप लगा हुआ है, इसलिए आसानी से याद हो जाएगा। तो यहां पर यूज करेंगे टू इंट, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इनपुट एक्स में लिए, एक्स है आपका किस टाइप का, इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का, इंट ए एक लेंगे वेरिएबल, और ए में हम लोग किसका यूज करेंगे, टू इंट। अब क्या है कि जो भी मेथड है इसका, मेथड मतलब फंक्शन, दिमाग में रखिएगा, जो भी फंक्शन है प्रीडिफाइंड, टू इंट प्रीडिफाइंड है, उसमें अगर दो वर्ड का होगा तो हरेक दो वर्ड, तीन वर्ड, जितना वर्ड का होगा, हरेक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, हर एक वर्ड का। जैसे देखिए राइट लाइन में राइट का डब्लू, लाइन का एल, कंसोल तो एक ही वर्ड का है, कंसोल का सी, ये तो क्लास है, क्लास में भी वही प्रोविजन है ना, ऐसा जावा में भी होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेथड वाला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वहां पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे टू का, टू इंट दो वर्ड का है तो टू का टी कैपिटल और इंट का आई कैपिटल, और एक इसमें सिर्फ टू इंट में हम लोग यूज करते हैं, है ना, पहले मैं उसको बिना यूज किए कर देता हूं, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, एक्स। अब एक्स को इसमें किसमें कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, और इसको हम लोग ए को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। एक चीज इसमें करना होगा, सेमी कॉलन, एक चीज करना होगा कि टू इंट में, वो जो अभी बात कर रहे थे कि टू इंट में हमेशा हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं, सिर्फ टू इंट में, चाहे 32 बिट सपोर्ट करेगा सिस्टम में, आपके सिस्टम के अनुसार 16 बिट या 64 बिट, तो जैसे मैं 32 बिट मेरा सपोर्ट करता है और 16 बिट सपोर्ट करता है, 64 बिट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर 32 लिखना पड़ेगा, सिर्फ इंट के केस में और किसी के केस में नहीं। यहाँ हम लोग देखेंगे, रन करेंगे, अभी भी कहीं पर एरर दे रहा है, दूसरा एरर क्या दे रहा है, हाँ एक मेजर हम लोग गलत कर रहे हैं। अब ये ध्यान देना है कि टू इंट जो है फंक्शन, वो फंक्शन प्रीडिफाइंड है, और कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन किसी न किसी क्लास के अंदर होता है, तो पहले आपको पता करना होगा कि टू इंट फंक्शन किस क्लास के अंदर है, क्लियर है। जैसे राइट लाइन आपका था किसके अंदर, कंसोल के अंदर, रीड लाइन कंसोल के अंदर था, तो टू इंट है आपको कन्वर्ट क्लास के अंदर, किस क्लास के अंदर, कन्वर्ट, जितना भी कन्वर्जन फंक्शन है सारा कन्वर्ट क्लास के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे कन्वर्ट डॉट टू, ठीक है, ये हुआ। अब इंटर कोई भी नंबर मांगे, 41 माई वैल्यू इज 41। अब यहाँ पर जो 41 है वो क्या 41 है, इंटीजर है, क्योंकि इनपुट लेने के बाद हमने उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे इतना लाइन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको शॉर्टकट, जैसे एक्स को हम लोग यहाँ रख रहे हैं और एक्स में ये चीज है, तो आप डायरेक्टली इसको
कंट्रोल एक्स और यहाँ पर आप रख सकते हैं कंट्रोल वी और सेमी कॉलन एक ही बार रहेगा और ये फिर करने की आपको जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट होगा कि जिस समय हम लोग इनपुट लें उसी समय कन्वर्ट करें, पहले इनपुट लेगा फिर कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके इसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो ये पूरा आपको इनपुट लेने का प्रोसीजर हो गया, ठीक है। इसको मैं अब रन कराता हूं, ये देखिए क्लियर है। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम कि जब इनपुट लेंगे तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज होना चाहिए, तो मैसेज के लिए आप इसके ऊपर जैसे इंटर एनी नंबर कुछ भी आप लेते हो तो मैसेज के लिए आप यूज कर सकते हो राइट लाइन या राइट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक इनपुट लेने से पहले एक मैसेज करता हूँ, मैसेज के लिए हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट राइट, राइट भी यूज कर सकते हो और राइट लाइन भी यूज कर सकते हो, दोनों में एक डिफरेंस क्या है वो आप देख लेना। इंटर एनी नंबर, राइट और राइट लाइन में डिफरेंट क्या है कि राइट लाइन आपको न्यू लाइन जेनरेट करता है, ठीक है, और राइट न्यू लाइन जेनरेट नहीं करता है। तो मुझे कि न्यू लाइन नहीं जेनरेट करना है, इनपुट यहीं पर इनपुट ले लेना है जहां इंटर एनी नंबर हो उसी के बगल में इनपुट लेना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के चाहते हैं। तो आप देख लीजिए, देखिए राइट इंटर एनी नंबर के बाद न्यू लाइन जेनरेट नहीं किया, यहीं पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एलएन अगर कर देते हैं तो कर्सर यहां ब्लिंक करते रहता है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू लेंगे 45 और ये देखिए, अब इस केस में देखिए यहां पर राइट लाइन था, यानी कि आउटपुट देने के बाद अपना मैसेज प्रिंट करने के बाद माय वैल्यू इज 45 करने के बाद कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा है, तो राइट लाइन आपको न्यू लाइन जेनरेट करता है, ठीक है, समझ गया। तो ये था आपको इनपुट और आउटपुट लेने का तरीका, इसमें क्लियर है, दोनों चीज समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर अगर फ्लोट वैल्यू लेना होगा तो फ्लोट ए और टू फ्लोट 32 लिखना पड़ेगा, 32 सिर्फ और सिर्फ इंट में यूज करना है, देख लेते हैं अगर बिना 32 के हो जाता है तो वो भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम में, नहीं कर रहा, तो ये 32 या 16 भी आप यूज कर सकते हैं, मेरे में 16 भी काम कर लेगा, 16 करके देखते हैं, 16 हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रजिस्टर पर निर्भर करता है, 64 भी आता है, 64 बीट आता है ना तो 64 भी हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको करना होगा किसके केस में, इंटीजर के केस में, 64 देखते हैं, शायद 64 नहीं होगा मेरे सिस्टम में, 64 नहीं होगा, तो इंटीजर के केस में हो रहा है, डबल फ्लोट के केस में आपको नहीं होना चाहिए, जैसे मैं यहां पर कर दे रहा हूं आपको डबल, ठीक है, टू डबल कन्वर्ट करके डबल में स्टोर कर रहा हूं, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, कहीं एरर दे रहा है, डबल टू इंट, अच्छा डबल टू इंट यानी कि डबल में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, इंट में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है, समझ गया। तो सिर्फ और सिर्फ इंट में ही आपका कन्वर्जन जब करेंगे तभी उसमें रजिस्टर लगाना है, 16, 32 या 64, 32 आप सबने कर लेगा, 32 भी तो एटलीस्ट होगा ही। तो ये है आपको इनपुट और आउटपुट लेने का तरीका, कोई दिक्कत है इसमें। तो जो लास्ट वाला लाइन है रेड की, उसका क्या मतलब है, रीड की का क्या मतलब है, रीड की होल्ड करने के लिए समझो, गेट सी एच यूज करते हैं ना आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए, तो अगर रीड की आप नहीं लगाते हो तो मेरा आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं करता है, जैसे
सपोज मैं इसको बंद कर दूं और इसको कमेंट में डाल दूं, कमेंट में डाल देंगे। अब देखिए आउटपुट के लिए होल्ड कर रहा है, अभी अभी भी तो आउटपुट स्क्रीन होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है कि नहीं, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है होल्ड? आउटपुट इनपुट लेने के लिए कब होल्ड करता है? जब हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। यस, ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, अब इनपुट ले रहे हैं, अब होल्ड नहीं करेगा। तो कुछ तो होल्ड करने के लिए ऐसा चीज चाहिए जिससे हम प्रोग्राम को होल्ड करा के अपने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करा के अपने आउटपुट को देख सके। तो हमको कुछ वैसा फंक्शन यूज करेंगे जो इनपुट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, रीड की। अब रीड की का पर्पस क्या है कि रीड की एक कैरेक्टर इनपुट लेता है, और जब तक कि हम लोग वो कैरेक्टर नहीं देंगे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नहीं, और हम तब तक कैरेक्टर इनपुट नहीं देंगे जब तक कि हम अपने आउटपुट को देख ना ले। ये वही कॉन्सेप्ट जो सी में आपने गेट सी एच का यूज किया था, गेट सी एच ई का यूज किया था, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर क्या है, रीड की है ना। तो आप रीड की अगर यूज करेंगे तो आप देखिए स्क्रीन आपको होल्ड करेगा, पहली बार होल्ड किया राइट लाइन के रीड लाइन के थ्रू जिससे आप इनपुट लेंगे, और दूसरी बार ये होल्ड किया, होल्ड कर रहा है किसके थ्रू, रीड करने के बाद क्या मिला, रीड की मिला। तो रीड की इनपुट है, एक तरह से होल्ड कर रहा है गेट सीएच जैसा, आप कुछ भी वैल्यू दिए ये आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर समझना है कि इसको होल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर बताइए तो स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग और आर्ग से जो लिखे, ये तो पिछले क्लास में ही बताए थे जी, स्टैटिक वर्ड में। ये समझ में आ गया सर, ये स्ट्रिंग और आर्ग जो लिखे वो नहीं समझ में। स्ट्रिंग आर्ग, स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है, डेटा टाइप है। आर्ग क्या है, वेरिएबल है। ब्रैकेट अगर वेरिएबल में रह जाता है तो क्या यूज होता है उसका, कि वो एरे होगा। क्या होगा, एरे, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा मल्टीपल एरे टाइप के चीजों को ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के। लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, कहाँ यूज करते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो अभी तो हम लोग इसका यूज कहीं नहीं है, लेकिन एज पर सिंटेक्स का ये पार्ट होता है, आप यूज करें या ना करें आपको सी शार्प में और जावा में स्ट्रिंग अर्ग लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, आगे जब हम इस पे स्ट्रिंग ये पढ़ाएंगे आपको, जब एरे पढ़ाएंगे, तो उसमें होता ये है कि आप जनरली देखते होंगे कि आप एरे जब बनाते हैं, चाहे स्ट्रिंग का बनाएं या इंटीजर का बनाएं, तो आप इस तरह लिखते हैं स्ट्रिंग ए और ये ब्रैकेट देते हैं। लेकिन सी शार्प में ये भी आपको बताएंगे कि ये भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते, ये भी टेक्निक है, दोनों टेक्निक है। ठीक है, तो दोनों टेक्निक्स, तो वही चीज है ये, और इसका यूज हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए, जिस तरह आप आर्गुमेंट बनाते हैं ना सी में, अर्ग भी अर्ग सी आर्गुमेंटेड, तो उसी तरह ये है। लेकिन यहाँ पर सारा ये स्ट्रिंग टाइप का लेगा, एक भी स्ट्रिंग ले सकता है, हो सकता है मल्टीपल स्ट्रिंग ले होगा, तो मल्टीपल स्ट्रिंग जहां लेना होगा वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एरे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसलिए ये दिया हुआ है, अभी इसका कोई यूज नहीं, क्लियर है? Yes, चलिए, तो अब ये समझ गए हैं, अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा चीज इसमें सिमिलर है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसको, इस नोट्स को शेयर कर देंगे, इस नोट्स में आप सारा चीज पढ़ लेंगे, सेम चीज आपको मिलेगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके सारा चीज आपको सेम मिलेगा, सी जैसा। इवन उप्स आएगा तब आपको सी प्लस प्लस जैसा पढ़ना है, तो यहाँ सी मिलेगा, है ना। सारा ऑपरेटर आपको मिलेगा, एक इसमें एक्स्ट्रा होगा, वो क्या होगा आपको, डेटा टाइप बुल। शुरू से मैं दिखा देता हूँ, ये दिखाए नहीं थे लगता है नोट्स, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं किस क्लास में दिखाए थे किस क्लास में। देख रहे हैं, सारा ऑपरेटर भी आपको सेम मिलेगा। तो ये रूल है, इसमें
इसमें आप आईडी के बारे में सब दिया हुआ है, कैसे आप ओपन करेंगे, तो ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ आपको, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर ये सब तो बता दिए हैं, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट सारे के बारे में है, यूजिंग सिस्टम क्या है, नेम स्पेस क्या है, क्लास प्रोग्राम क्या है, स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये सारा चीज है, ये सारा आप एक बार पढ़ लेंगे। केस सेंसिटिव होता है, टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं, कमेंट क्या है, सिंगल लाइन के लिए, मल्टीपल लाइन के लिए, सी जैसा, सी प्लस प्लस जैसा, जावा जैसा ही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है, कीवर्ड्स जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल आप जैसे अभी हम प्रोग्राम भी बनाए वहां पर भी मैंने आपको दिखा दिया कि वेरिएबल जैसे सिंपली आप सी और सी प्लस प्लस में करते हैं वैसे ही करना है, कोई अलग से इसमें नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि इसमें वेरिएबल्स यानी कि डेटा टाइप एक्स्ट्रा है सी के अलावा, ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है कि डेटा टाइप इसमें एक्स्ट्रा है, बूल डेटा टाइप है ना, और एक क्या डेटा टाइप है, डेसिमल डेटा टाइप, यानी कि आपका एक इंट हो गया इंटीजर के लिए, कैर हो गया कैरेक्टर के लिए, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए तीन है, फ्लोट, डबल और डेसिमल, तीन तीन है, ठीक है। तो जहां पर हम लोग को यूज करना होगा यूज कर देंगे, इसको समझना क्या है, इस चीज का आप पूरी तरह समझे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि तीनों का अलग अलग साइज है, यानी प्रिसीजन है, प्रिसीजन का मतलब होता है कि आफ्टर डॉट कितना डिजिट्स होगा, तो फ्लोट का 7 डिजिट्स है मैक्सिमम, इसका 15 डिजिट है प्रिसीजन, इसका 28 डिजिट्स है प्रिसीजन, फ्लोट के बाद 28 डिजिट तक ले सकते हैं। बूल डेटा टाइप एक्स्ट्रा है जिसमें दो वैल्यू होगा, ट्रू एंड फॉल्स। बूल डेटा टाइप आपको नसी में होता है, नसी प्लस प्लस में होता है, बट पाइथन में होता है बुलियन, जावा में भी होता है बूल, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के लिए। उसके बाद स्ट्रिंग के लिए एक अलग है, ठीक है, जैसे सी में आप पढ़ते हो कैरेक्टर के थ्रू या स्ट्रिंग अचीव करते हो, तो स्ट्रिंग के लिए भी यहाँ अलग है। तो ये सारा डेटा टाइप है। डिक्लेरेशन भी लगभग आपका एकदम सेम है, कैर लेटर, ठीक है, इस तरह से लेटर में ये स्टोर किए, तो ये सारा सही है, ये आप देख लेंगे डेटा टाइप जो भी है। इनपुट मैं आपको बता दिया कैसे इनपुट आप लेते हो, तरीका बता दिए, खुद से आप रन करेंगे, कन्वर्ट के लिए भी बता दिए, कन्वर्ट इसमें होगा, एरे हम थोड़ा आगे बताएंगे एरे कैसे हम लोग करते हैं, इसमें पहले दिया हुआ एरे, लेकिन एरे से पहले बाकी आपको कन्वर्जन उर्वर्जन से उतना मतलब नहीं, सिलेबस तो पढ़ना नहीं है, कन्वर्जन आपको सी जैसा ही काम करेगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉन्स्ट वेरिएबल इनम सारा वो सब काम करेगा इसमें, है ना, तो वो भी जानने की जरूरत। ऑपरेटर्स सिंपली सारा ऑपरेटर है, सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं है, वो है आपका बीट वाइज, ठीक है, तो बीट वाइज यहां पर ऑपरेटर नहीं है, बाकी सारा ऑपरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार सरसरी आप देख लेंगे, सारा काम करने का तरीका उसी तरह है जिस तरह आपका सी में काम कराया है, सी प्लस प्लस में काम कराया है, तो ये ऑपरेटर देख लीजिए सारा आपको पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको ये भी सेम है, असाइनमेंट जब करते हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी करना है तो ए प्लस इक्वल टू, ये पढ़ा हुआ है आपको, सेम चीज है। उसके बाद आप आते हैं कंपेयरिंग वैल्यू, कंपैरिजन, और इसको रिलेशनल बोल सकते हैं, कंपैरिजन और रिलेशनल है आपको एकदम सेम टू सेम है, वैसे ही काम करेगा। कंपेयर करने के लिए आपके पास इंटीजर होना चाहिए, कैरेक्टर पर भी कंपेयर करेगा, क्योंकि सी में और सी प्लस प्लस में आप जानते हैं कि कैरेक्टर भी इंटरनली इंटीजर टाइप के बिहेव करता है ड्यू टू आस्की, यानी कि इंटरनली वो आस्की पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये आपको सेम टू सेम है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम है एकदम से, ठीक है, तो ये ऑपरेटर तक आपका है एकदम सेम है, टर्नरी भी सेम है, टर्नरी भी आप जानते हैं, तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और इसके साथ साथ आपको ब्रांचिंग भी सेम है, यानी कि डिसीजन मेकिंग भी आपका सेम टू सेम है, डिसीजन मेकिंग भी सेम टू सेम करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इस नोट्स को हम शेयर कर देंगे और एक बार ये प्रोग्राम रन करा के आपको प्रैक्टिस कर लेंगे। लूप भी सेम है,
सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा लूप है, फोर ईच लूप, है ना, जो हम लोग जावा में पढ़ते हैं, फोर ईच लूप, सी में भी नहीं है, सी प्लस प्लस में भी नहीं है। तो फोर ईच लूप आपको बताएंगे, वो तभी बनेगा जब आपको एरे के प्रोग्राम में वो बनता है। तो एरे का कॉन्सेप्ट बनाएंगे तब बताएंगे, यानी कि आपको यहां तक इफ इल्स तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे, कोई हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इफ इल्स कैसे काम करेगा, है ना, सेम है, जब मैं कह रहा हूं सेम है तो एकदम सेम है, जैसे आप सी में भी उस चीज को पढ़े, सी प्लस प्लस में भी अब पढ़ाते जा रहे हैं, तो उस चीज को दोबारा रिपीटेशन करने की कोई जरूरी नहीं है। सेम ब्लॉकिंग, सेम कंडीशन, लॉजिकल भी सेम है, सेम स्टेटमेंट, रीड लाइन, राइट लाइन, दोनों आपको इसमें बता चुके हैं। तो सेम टू सेम है, स्विच केस भी सेम टू सेम है, तो कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग के कंसोल बेस्ड के बाद फिर विंडो बेस्ड थोड़ा डिजाइन करेंगे चीजें, कंसोल बेस्ड तो पढ़े ही हम लोग, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास से फिर हम आपको लूप बता देंगे, एक आध लूप का क्वेश्चन, हालांकि लूप भी एकदम सेम है, फिर चलेगा एरे का कॉन्सेप्ट। एरे थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट तो एरे का वही होता है कि मल्टीपल वैल्यू लेना है तो एरे पढ़ना है, बट यहाँ पर एरे को डिक्लेयर करने के लिए थोड़ा डिफरेंस है, सी एंड सी प्लस प्लस में नहीं है वो तरीका, है ना, जावा में है, तो जावा पढ़े नहीं, तो एरे में अगले क्लास में बताऊंगा, और जो एक्स्ट्रा लूप है फोर ईच लूप उसको बताऊंगा। क्लियर है, तब तक ये नोट शेयर कर देंगे, आप एक बार दो बार प्रोग्राम, एक एक प्रोग्राम सबका एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये नोट शेयर कर देंगे और प्रोग्राम जरूर एग्जीक्यूट करके खुद से आप चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो क्लास अब एंड करते हैं, इस नोट्स को मैं भेज दूंगा, ठीक है, अटेंडेंस बन जाएगा, मैं जूम से ही ले लूंगा अटेंडेंस, तो ये बन जाएगा आपका अटेंडेंस। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।